अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आए एक नए ब्लॉग के साथ। काबोली बोला ले आए आपको। चले अभी अंदर चलते हैं, खूबसूरत नज़ारे करवाते हैं आपको। जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को एंजॉय करें। तो दोस्तों, सफर को मजीद एंजॉय करने के लिए हमने एसके पान शॉप से कुछ पान भी उठा लिए। एसके पान शॉप जो कि मुनीर अहमद खान रोड, सरियाब रोड, कोईटा पर मौजूद है। जिंदगी में कुछ ऐसे से भी सफर होते हैं जिन पर चलते हुए ना पांव थकते हैं और ना दिल बेजार होता है। आज हम एक ऐसी पिकनिक पॉइंट आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मजबोलान से 18 किलोमीटर के फासले पर मौजूद पहाड़ों के दरमियान ये प्लेस काबोई के नाम से जाना जाता है। मठ से कुछ फासले पर गेतानी की नदी से काबोई का रास्ता निकलता है। दो पहाड़ों के दरमियान तंग रास्ते से गुजरता पानी इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की तकरीबन निसफ हिस्से पर मुश्तमिल सूबे बलूचिस्तान खूबसूरत, दिलकश और हैरत अंगेज मकामात से भरा पड़ा है। मतनू खसूसियात के आमिल जोग्राफी और खूबसूरत लैंडस्केप में सजी बलूचिस्तान की सरजमीन पर समंदर, दरिया, बुलंद व बाला पहाड़, सहरा, जंगलात, आबशारों और जीरो समेत सूरत के बहुत से रंग व रूप देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक काबोई का इलाका भी है। जिन दोस्तों के यहाँ पर आने का दिल कर रहा है तो जल्दी से अपने बैग्स बांध ले और अपने बाइक्स वगैरह की अच्छी से सर्विस करवा के आए यहाँ पर। और कच्चे रास्ते के लिए अपने साथ कुछ बोतल्स पानी की भी उठा ले, क्योंकि काबोई से पहले कोई भी पानी का वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। और दोस्तों से गुजारिश है, बरसात के मौसम में यहाँ आने से गुरेज करें, क्योंकि काफी मकदार में यहाँ पर पानी आ जाता है और निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बलूचिस्तान के जुहांग के इलाके से नदियों के जरिए मुख्तलिफ पहाड़ों से गुजरता हुआ ये पानी काबोई तक पहुंचता है और बहुत से इलाकों को सैराब करता है।
कच्छ और आसपास के इलाकों में मौसम बहुत ही गर्म रहता है, लेकिन काबोई का मौसम ठंडा था और पानी भी काफी ठंडा था। यहाँ मुख्तलिफ जगहों से पहाड़ों में मौजूद छोटे छोटे सुराखों से पानी निकल रहा था। दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद काबोई पॉइंट किसी तारुफ की मोहताज नहीं। गुलाबी और पीले रंग के पहाड़ और चमचमाती पानियों का गुजरना और हर तरफ हरियाली, एक जन्नत का मंजर था। खूबसूरती देख कर एक शहर तो बन रहा है, वतन की खाक से मर कर भी हमको अनस बाकी है। मजा दामान मादर का है इस मिट्टी के दामन में। हर तरफ पानी देख के एक और शहर याद आया। वतन जरा एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यही से निकलेगा। शुक्रिया अदा करता हूँ जमील और सफर खान भाई का, जिन्होंने इस सफर में मेरा काफी साथ दिया। में अभी भी छुपे सियाती मकामात बहुत हैं, जो कि सिर्फ मकामी लोगों को पता है, और कुछ मकामात हैं जिन तक पहुंचने के लिए दिल और जिगर के साथ काफी स्टेमिना की दरकार होती है। बाहर के नज़ारे तो बहुत करवा लिए आपको, हमने सोचा पानी के अंदर भी कुछ आपको नज़ारे करवाए, एंजॉय करें। जो दोस्त यहाँ आना चाहते हैं वो अपने ग्रुप के साथ आए, कतन अकेले ना आया करें, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है। और आते साथ अपने साथ कुछ बाइक वगैरह के टूल भी उठाए, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है, कुछ भी हो सकता है आपके बाइक के साथ। Thank you.
پاکستان کی یہ خوبصورتی تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان سیاحتی مقامات اور ورثے کی ترقی اور ان تک رسائی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ کابل تک پہنچنے میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کٹن راستے ہونے کی وجہ سے ہم کبھی بائک سے اترتے تھے، کبھی چلتے تھے، تو کافی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ہی ہم کابل پروگرام پہنچے۔ بلوچستان میں موجود بولانگ اپنے خوبصورت پہاڑوں اور سیاحتی مقامات کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ کہیں تنگ راستے تو کہیں پانی اور کہیں سرسبز علاقے جو کسی جنت سے کم نہیں لگتے۔ بولانگ کا ایک سرا کولپور جو کہ اپنی سردی کی وجہ سے بلوچستان کے سرد علاقوں میں شمار ہوتا ہے، اور دوسری جانب سبی ہے جو اپنی گرمی کی وجہ سے ایشیا کے ٹاپ 5 گرم علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو بتائیں ہمیں کہ آپ کو کابل بولانگ کیسا لگا۔ انشاءاللہ یہاں آنا نہ بھولیے گا، انشاءاللہ آئے یہاں پر انجوائے گا۔ تو اپنا آج کا پیارا سا ولوگ یہیں پر ختم کر دیں، ملتے ہیں اچھے سے نئے ولوگ کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، یار سپورٹ دکھائیں۔ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی نئی نئی ویڈیوز لے آئیں گے۔ ملتے ہیں ایک اچھے سے نئے ولوگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔